पूरे देश से 200 भारत यात्री 5.5 महीने से चल के आ रहे, और उनके साथ चलने वाले राहुल गांधी जी और उनके बैकग्राउंड को ऑलरेडी हम कई सारे नुकसान उठा चुके हैं। इंदिरा जी का हमने नुकसान उठाया, राजीव जी का हमने नुकसान उठाया, तो हम लोग भी हैंड्स अप कर गए। यात्रा तो चलती रही, मगर पहले हमें अपना लीडर बचाना है। आई वॉज सरप्राइज, मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं जिद भी कर सकता था, नहीं राहुल जी आइए हम आपके साथ में, मगर सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं ले सकता था, जान सबसे प्यारी है। तो इसलिए जो चीज आज वहां हुआ, जो तरीका हुआ, हम इसको हाईली कंडम करेंगे और अपील करेंगे आने वाले 4 दिन कश्मीर के अंदर उनको सुधारने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हमारी अपील होगी। मैं एक चीज और कहूंगा इसके बारे में, जो राहुल जी ने भी इसका जिक्र किया, अंतिम क्षण तक राहुल जी चलना चाहते थे, अंतिम क्षण तक, पर उनको एक निर्णय लेना चाहिए था। जो निर्णय उन्होंने लिया उनके सुरक्षा सलाहकारों के आधार पर ही, जो उन्होंने कहा गया, सलाह दी गई, उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। पर अंतिम क्षण तक वो चाहते थे कि वो जो 12-13 किलोमीटर बाकी हैं वो चले, पर सुरक्षा सलाहकारों ने कहा बिल्कुल नहीं चल सकते आप, और तभी वो गाड़ी में बैठकर निकल गए। हालांकि जो भारत यात्री हैं वो चलकर आए। अगर एक एक करके पूछे तो अच्छा होगा, एक सबको मौका मिलेगा। मुदस्सिर पर मैं पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा इसका जवाब दे। मैं आपको कहूं कि एक दो जगह छोटे मोटे लैप्स हुए हैं, पर इतना बड़ा लैप्स नहीं हुआ है कहीं और। और मैं एक बात मैं कह दूं, मेरे विचार में, मैं भी वहां था, मैंने देखा जो हो रहा है, तब मैं चलने लगा, क्योंकि मैं राहुल जी के साथ चलता नहीं हूं, मैं आगे जाता हूं। मैंने जो देखा, मेरे विचार में जिस मात्रा में क्राउड मौजूद थी उसका अनुमान पहले ही लगाना चाहिए था प्रशासन को, और प्रशासन को इस बहुत ढीले ढंग से लिया। जो सुरक्षा बल होने चाहिए थे जिस मात्रा में, वो नहीं थे, और इसीलिए राहुल जी को गाड़ी में आना पड़ा। ये तो ये प्रशासन से चूक है, ये प्रशासन की चूक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आप असल में आपने देखा होगा राजस्थान, पंजाब, इवन जम्मू में भी जो रस्सी होती है, जो डी होता है, उसमें एक 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 पुलिस वाला कंटिन्यूअसली उस रस्सी को पकड़ के हुआ होता है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, सबसे सेंसिटिव एरिया, मिलिटेंसी हिट एरिया जो है वो साउथ कश्मीर है, यहाँ ज्यादा होने चाहे थे। और जब हमने, जब लोग अंदर आ गए, भीड़ में आ गए, राहुल जी पे भी पुश हुआ, धक्के लगे, मुझे भी लगे, सबको लगे, मीर साहब को लगे, सबको। जब हालात ज्यादा खराब हो गई तो हम रुक गए, और उसके बाद हमने देखा कि वजह क्या हुई। जब हमने वजह देखी तो वहां रस्सी लेके पुलिस ही नहीं थी कहीं। तो उसके बाद हम एक घंटा लगभग रुके कि कहीं से फोर्स आ जाए, ये रस्सी पकड़े। और रस्सी इसलिए पकड़े कि जो मॉब है, इतना ज्यादा क्राउड आया था, वो अंदर रस्सी के अंदर डी में ना जाए। तो डी में वीआईपी चले, उमर साहब भी थे, राहुल जी भी थे, और बाकी सारे लोग थे उसमें डी में जो चलने वाले होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 1 घंटा 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद भी पुलिस की टीम आई ही नहीं। पूरे इंडिया में पुलिस की टीम रस्सी लेके चली, यहां बहुत कम थे, लेकिन बहुत कम थे। तो इसलिए यात्रा को फिर सस्पेंड करना पड़ा सिक्योरिटी के कारण, और यहां आना पड़ा। तो वही राहुल जी ने यहाँ पे कहा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी गुजारिश है कि जो आगे की यात्रा है उसको सुधारे, ताकि यात्रा अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाए। थैंक यू सर। मेरे दो सवाल हैं। एक तो एमएचए की तरफ से ये आया है कि जी एमएचए की तरफ से ये आया है कि सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस ने उचित सुरक्षा मुहैया कराई थी, कोई कोताही
उसमें सुरक्षा में नहीं हुई है, ये एमएचए की तरफ से आया है। और ये सवाल का जवाब नहीं, नहीं, मैं ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं दूंगा। अभी अभी हमारे जो सुरक्षा सलाहकार है, हमारे जो महामंत्री संगठन है, वो प्रशासन के साथ बातचीत हो रही है इसी मुद्दे पर। मैं किसी ने कहां से बयान दिया, मैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां करते रहूंगा। तो ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री का मामला बड़ा गंभीर मसला है ये। सर दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे दूसरा सवाल खत्म। दूसरा सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा पे कहा है कि क्रिटिसिज्म का स्वागत है, कई लोग बेवजह सिर्फ क्रिटिसाइज और आलोचना करते हैं, उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विपक्ष पे यात्रा पर है, अच्छा ट्राई है। मैंने पहले ही कहा था ये मौका नहीं है आर्टिकल 370 और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर मैं कुछ कहूंगा नहीं। आपने अच्छा प्रयास किया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। ये सुरक्षा की ओर से एक बहुत बड़ा चूक है, ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इस पर अभी बातचीत चल रही है, हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन और राहुल जी के जो सुरक्षा टीम है, सिक्योरिटी टीम है, प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बात हो रही है। इसके बारे में मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, ऐसे गंभीर मुद्दों पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री देना उचित नहीं है। जो कुछ कार्रवाई करनी है प्रशासन की ओर से हमें कल दिखाई देगा। हम उम्मीद करते हैं कि कल और परसों जो घटना हुई आज वो दोहराया नहीं जाएगा। हेलो सर, अमीर साहब बताइए। जो मैंने पहले ही बताया कि जो एसओपी जारी किए गए थे उनको 100% फॉलो किया गया। एक चीज है पब्लिक का मतलब वहां पर तेदाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता था। मेरी कैपेसिटी 1000-2000 लोग की थी, मैनेजमेंट भी 1000-2000 की हो सकती थी, मगर जब वहां 10-15-20 हजार लोग हुए तो ये बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तो ऐसा एनालिसिस, ऐसा असेसमेंट सरकार को लेकर चलना चाहिए था। हेलो सर, हमने 135 दिनों में या 136 दिनों में एसओपी का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। दिल्ली में एक बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई थी जब हम दिल्ली आए थे 24 दिसंबर को। पंजाब ऐसे संवेदन राज्य में एक भी सिक्योरिटी लैप्स हमें देखने को नहीं मिला, पर जम्मू और कश्मीर में अफसोस की बात है, खासतौर से कश्मीर में पहला ही दिन में एक लैप्स हमें एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कल और परसों प्रशासन ऐसे कदम लेंगे और जो कुछ वो एसओपी हमें बताएंगे हम उसका पालन करेंगे। सर, एसओपी का कभी उल्लंघन नहीं होता है। आई हैव वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट व्हाट कांग्रेस पार्टी एंड व्हाट कंट्री एज अ होल इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस भारत जोड़ो यात्रा एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट द कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ओवरऑल व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ दिस भारत जोड़ो यात्रा स्पेशली कंट्री एंड द कांग्रेस इटसेल्फ। आई विल गिव यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, वेट एंड सी। सर लास्ट क्वेश्चन दिस साइड, आपको जो वेन्यू दिया गया है कंक्लूडिंग रैली के लिए, फ्रॉम दिस साइड सर, दिस साइड प्लेट प्लेट, आपको जो वेन्यू दिया गया है शेर कश्मीर स्टेडियम का, थोड़ा शांति। मीर साहब ने वहां पे भी कहा कि 1 लाख के आसपास लोग दे आर एक्सपेक्टिंग, सो डू यू थिंक दैट द सेम क्रॉस माइट बी यू नो विटनेसिंग इन दैट वेन्यू आल्सो, सो व्हाट आर यू प्लानिंग, बिकॉज द यात्रा इज गोइंग टू वेरी सेंसिटिव लोकेशंस नाउ। मीर साहब जवाब देंगे। देखिए हमारे पास अवेलेबिलिटी जो श्रीनगर में जगह की वही मिली, क्योंकि हमारे पास श्रीनगर में वही जगह है, क्योंकि पहुंचना भी यात्रा को श्रीनगर में ही था, तो जगह मिली है। हम कोशिश करेंगे कि उसको तरीके से हैंडल किया जाए।
वीआईपीज को अपनी पोजीशन दी जाए, जो बाहर से लोग आए उनको अपनी पोजीशन दी जाए, आप जो प्रेस वाले लोग हैं आपके लिए भी कोई खूबसूरत जगह रखेंगे और पब्लिक को भी एक अच्छी सी जगह देंगे और इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम होगा। और हमारे पास अवेलेबिलिटी वहाँ पे उतनी ज्यादा जगह भी नहीं है जिसमें हम उससे ज्यादा क्राउड मैनेज करें। थैंक यू। अनंत, अब मीर साहब इसका जवाब देते हैं। अनंतनाग के लोग बहुत प्यार करते हैं कांग्रेस पार्टी को और पहले से ही इंदिरा जी राजीव जी के वक्त से, और राहुल जी को उससे ज्यादा करते हैं। तो ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, बाद में अनंतनाग भी आएंगे, अभी बनहाल वाले लोग भी वही कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं, तो वहां भी आएंगे, अनंतनाग भी आएंगे, डोरू भी आएंगे, काजीगुंड भी आएंगे। वो तो पॉलिटिकल प्रोग्राम होंगे, वो रैलीज होंगी, उनमें तो आएंगे, आगे के लिए तो आना होगा। थैंक यू। जब आए थे जम्मू में, आपने, आपको याद होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आपने सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने कहा जम्मू में जो पहला कार्यक्रम था, उन्होंने कहा मेरे पूर्वज कई 150 साल पहले कश्मीर से अलाहाबाद चले गए और मैं 150 साल बाद चल के वापस उसी जगह में आ रहा हूँ जहाँ से मेरे पूर्वज अलाहाबाद निकले थे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको शुक्रिया कि आप बराल से और श्रीनगर से सारे आए हैं। प्लीज जॉइन अस फॉर ए कप ऑफ टी। हिसाब से हाँ, बोलिए बोलिए। मीर साहब जवाब दे। मैंने कहा ऑलरेडी हमारा कांग्रेस परिवार कुछ नुकसान उठा चुके हैं। इंदिरा जी को हम खो चुके हैं, राजीव जी को हम खो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है कि खुदा न खास्ता कोई और नुकसान न हो। तो इसलिए जो ये भारत जोड़ा यात्रा लेकर राहुल जी आ रहे हैं, पूरा देश दुनिया देख रहा है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी वो किसी वजह से सरकार उसको फुलफिल नहीं कर पाई। अभी भी जयराम जी अपील कर रहे हैं, आज जो हुआ उसको छानबीन हो रहा है, मगर आने वाले 3 दिन कश्मीर के अंदर हैं, उसको महफूज बनाए, लोगों को महफूज बनाए, यात्रियों को महफूज बनाए, ये हमारी अपील।